नमस्ते बच्चों बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने वॉइस को, अपनी आवाज़ को कैसे गाने के लिए तैयार करना है। तो आज के इस वीडियो में एलप्रो इंटरनेशनल स्कूल चिंचवड़ के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, आपको अपने गले को सुरीला बनाना है और आपके गाने की या रियाज की कैपेसिटी को बढ़ाना है, आवाज़ की रेंज को बढ़ाना है, तो छोटे छोटे टेक्निक्स हैं वो आज हम देखेंगे कि हम अपने वॉइस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं सिंगिंग के लिए। बच्चों, हमारी आवाज़ गले से निकलती है, गले में वोकल कॉर्ड्स नाम की एक मशीन होती है, इससे हम जो भी बात करें, गाना गाएं, जो भी साउंड गले से निकलता है वो यहाँ से निकलता है। तो हमें सबसे पहले हमारे वोकल कॉर्ड्स की केयर करनी है, उसके बाद हमें इसको रियाज देना है और वॉइस प्रोडक्शन की टेक्निक्स सीखने हैं कि आवाज़ किस तरीके से निकाली जाए ताकि वो गले गाना गाने के लिए सही हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें अभ्यास करना होगा। तो बच्चों, हमें पॉइंट वाइज हम देखेंगे कि हमें अपने वॉइस को कैसे तैयार करना है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कि हमारी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, वॉइस क्लैरिटी। दूसरा मुद्दा है कि हमें अपनी आवाज़ को कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके टेक्निक सीखने हैं। तीसरा, हमें अपनी आवाज़ को फ्लेक्सिबल करना है और उसके बाद हमें वो मैकेनिज्म सीखना होगा वॉइस प्रोडक्शन का, जिसे हम हर तरीके का गाना गा सकेंगे। डीप ब्रीदिंग या ब्रीदिंग टेक्निक्स हमें सीखने पड़ेंगे जो हमें हमारे सिंगिंग के लिए उपयुक्त होंगे। और उसके बाद कैसे हमें अपने गले की केयर करनी चाहिए, उसके कुछ टिप्स भी हमें देखने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी वॉइस क्लैरिटी हम कैसे रखें या प्रोनंसिएशन कैसे हमारी हो। बच्चों, वॉइस क्लैरिटी के लिए हमें रोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग कम से कम आधा घंटा सिर्फ सा लगाना है। सा लगाने के बाद शुरुआत हम 5 या 10 मिनट से कर सकते हैं और उसके बाद हमें सारे अलंकार गाने हैं, खरज का रियाज करना है, तभी हमारा वॉइस क्लैरिटी, ये एक पॉइंट हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट हमें ये डेली बेसिस पे, एक दिन रियाज और 2 दिन छुट्टी नहीं, हर चीज़ में हमें रेगुलर होना पड़ेगा, रोज़ रूटीन में इस काम को करना होगा अगर हमें अपने गले की केयर करनी है। तो ये रियाज ही है जो हमारे सुरों को, हमारे गले को ट्यून करेगा। उसके बाद हमारा वॉइस फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हर तरीके का गाना हमें गाना आना चाहिए। गाने के अलग अलग गानों के अलग अलग मूड्स होते हैं, अलग अलग रस होते हैं बच्चों। तो हमें गाने का मूड देख के, उसके वर्ड्स को अभ्यास करके, उस गाने का मीनिंग समझ के उसको अगर हम गाते हैं तो वो गाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। और रियाज के साथ हम गले को सुरीला बना सकते हैं, लेकिन गाने के लिरिक्स को समझ के या गाने को मूड को समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो गाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। बच्चों, वॉइस प्रोडक्शन के टेक्निक्स में आता है कि हम उच्चार कैसे करते हैं। हमारा प्रोनंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी तरीके का, किसी भी लैंग्वेज का सॉन्ग गाइए, आपके जो उच्चार है वो बहुत शुद्ध और क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छा गाना गा सकते हैं। मैं उसके लिए आपको एक टिप दे सकती हूँ, रोज़ श्लोकास या राम रक्षा गाने से, जितने भी संस्कृत श्लोकास हमारे बड़े बुजुर्ग हमें घर में बोलना सिखाते हैं, तो ये श्लोकास जैसे आपके माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, आपका टंग भी क्लीन करते हैं। टंग क्लीन और क्लियर होना, प्रोनंसिएशन शुद्ध होना, क्लियर होना
बहुत बहुत ज़रूरी है। रोज़ अगर आप राम रक्षा का पठन करते हैं या कोई भी स्तोत्र जो आपको टंग का एक्सरसाइज देता है, अगर आप इसको रूटीन में बोलते हैं रोज़ बड़ी आवाज़ में, क्लियर प्रोनंसिएशन सीख के, बाकायदा सीख के करना होगा, तो ये रोज़ करने से आपका टंग क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रोनंसिएशन क्लियर हो जाएगी, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी और इसका आपके गाने पर ज़रूर और ज़रूर असर होगा। बच्चों, इसके बाद हमें ब्रेथिंग टेक्निक्स सीखने होंगे, या गाना गाते समय सांस लेने और छोड़ने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि हम गाना गा रहे हैं तो सांस कैसे ले, नहीं, हम गाते गाते भी सांस ले और छोड़ सकते हैं। उसकी एक टेक्निक होती है, वो प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे हमने देखा था कि म्यूज़िक खुद एक प्राणायाम है, तो सांस लेने छोड़ने का ये तरीका हमें सीखना होगा। बच्चों, हमें जब भी हम गाना गाते हैं या रियाज करते हैं, हमें बहुत बार हम क्या करते हैं, हम आधी अधूरी सांस लेते हैं। बहुत बार नहीं, 99% टाइम्स ऐसा ही होता है कि हम पूरे तरीके से सांस नहीं लेते हैं, हम सांस लेने या छोड़ने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। बस सांस आ रही है जा रही है, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस टेक्निक से, हमें एक्चुअली हम पूरे तरीके से अगर सांस ले तो ये हमारे लंग्स के लिए और हमारे गाने के लिए दोनों के लिए अच्छा है। तो पूरे तरीके से सांस कैसे ली जाए, अगर हम जब सांस ले रहे हैं तो आप चेस्ट पे हाथ रख के देखिए, अगर आप सिर्फ यहाँ यहीं से सांस ले रहे हैं तो आपका सीने पे प्रेशर आएगा या आपका सीना अंदर बाहर हो रहा है, आपको महसूस होगा। लेकिन गाना गाने के लिए आपको पेट से सांस लेनी होगी। जब आप सांस लेते हैं अंदर, ब्रेथ इन करते हैं, तो आपका पेट बाहर आना चाहिए बच्चों, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट भी अंदर आना चाहिए। अगर आप ध्यान देके सांस लेते छोड़ते समय हमेशा ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे कि मैं सांस अभी ले रहा हूँ तो मेरा पेट कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, मैक्सिमम टाइम्स हम हमेशा इसका उल्टा करते हैं, इतना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं हम लोग या नहीं देते हैं। तो अगर कुछ वक्त तक इसको हम बहुत ध्यान से करें, डेली अगर इस चीज़ के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करें कि सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर आना चाहिए, तो ये एक तरीके से प्राणायाम भी हो गया आपका, आपका लंग्स का एक्सरसाइज भी हो गया। और ये टेक्निक रोज़ यूज़ करने से आपको एक तरीके से इस चीज़ की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और ये आदत आपको पेट से गाना गाना सिखाएगी। जब आप पेट से गाते हो तो आवाज़ में एक फोर्स आता है और आवाज़ आपकी हेवी लगती है, सुनने के लिए अच्छी लगती है। जब आप सिर्फ गले से, गला क्या है बच्चों, गले से आपका आवाज़ सुर निकल रहे हैं, बट फोर्स आपको सीने से नहीं देना है, फोर्स आपको गले से भी नहीं देना है, फोर्स आपको पेट से देना है, तभी वो आवाज़ में वो जितना चाहिए वो फोर्स आएगा और आपका गाना सुरीला और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। कई बार लंबी सांस लेके आपको एक पूरा लाइन से गाने का गाना है तो वो कैपेसिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, नहीं तो क्या होगा, आप पूरा लाइन गा रहे हो, आधा लाइन गाया है और वहीं पे बीच में आपको सांस लेनी पड़ जाएगी और वो गाना फिर इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो आधा अधूरा सा लगेगा। वहीं सांस अगर टूट गई तो फिर दोबारा सांस लेके बच्चा हो आधा लाइन गाने के लिए, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको अपनी ये कैपेसिटी इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि पेट से सांस कैसे लेनी है। बच्चों, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर सीखिए कि पेट से कैसे सांस लेनी है और गाना गाते समय इसको कैसे अप्लाई करना है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, एकदम से नहीं होगा, बट आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और आप ये ज़रूर कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ओमकार जाप से हमारे सिंगिंग पे क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। बच्चों, आप डीप ब्रेथ लेके हारमोनियम पे सुर पकड़ के लंबा सा लगाइए, जितना आपकी सांस लंबी खींच आप सकते हो उतना लंबा सा आपको लगाना है।
ऐसे शुरुआत में आपको 2 मिनट या 3 मिनट का कैपेसिटी होगा, फिर 5 मिनट का, फिर 10 मिनट का, लेकिन धीरे धीरे ये कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं रोज गा के। शुरू में जब आप सा गाएंगे, मैं आपको गा के बताती हूँ, ये काली पांच का सुर है सा। शुरू में ऐसा होगा कि आपके आवाज में वाइब्रेशन आएगी, ऊपर नीचे वाइब्रेट होगी आवाज, जैसे ये कांस्टेंट एक ही इस फ्रीक्वेंसी में ये नोट जाना चाहिए। शुरू में होगा ये सा, ये हो सकता है, कोई बात नहीं, आप इसको रोज रियाज कीजिए और ट्राई कीजिए कि ये इस सुर पे, इस नोट पे आप कांस्टेंट रहें। जब आप इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका एक सुर पे आप कितना सेकंड्स, आप वो क्लॉक यूज कीजिए और देखिए कि एक नोट पे आप कितना देर, कितना सेकंड्स के लिए ठहर सकते हैं। जब आप इसको कांस्टेंट सुर लगाएंगे तो टाइम के साथ साथ इसका स्थिर होना स्वर का भी जरूरी है। इसमें जितना कम वाइब्रेशन आएगा, जितनी स्ट्रेट आवाज आएगी, उतना वो आप सही जा रहे हो, आपका रियाज बिल्कुल सही जा रहा है। फिर से देखिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड सिंग सा। मेरी सांस खत्म हो गई, मैं रुक गई। इसी तरीके से हमें ओमकार ये जाप करना है। ओम, अब ओम बोलने के भी बच्चों तरीके होते हैं। ओ अ ओ ओम ऊ मा, इस सीक्वेंस में अगर आप ओमकार जाप करते हैं, डायरेक्टली ओम नहीं कहना है, ओम ऊ मा, इस तरीके से अगर आप गाते हो तो लिप्स को क्लोज करके जब आप उम पे आओगे तो ये उम लंबा खींचो, जितना आपका आपकी सांस आपको इजाजत दे रही है उतना आप इसको लंबा खींचे, और जब आप लिप्स को क्लोज करके ये उच्चार कर रहे हैं तो आपकी लिप्स पे आपके अंदर एक वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। अगर वो आप फील करते हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। जैसे अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, आपकी सांस खत्म हो गई, आपको रुक जाना है, दोबारा डीप ब्रेथ इन करके आपको दोबारा से ओम गाना है, ओ उ म इस तरीके से प्रनाउंस करके, और उसके बाद ये गाते समय जैसे भंवरे की गुंजन होती है ना, लिप्स को क्लोज कीजिए, आपको वो वाइब्रेशन फील होगी और आपको धीरे धीरे इसको रेगुलर प्रयोग करके गा के आपको खुद पता चलेगा कि आपकी वॉइस क्लियर हो रही है, एक आवाज़ में वजन आ रहा है। तो इस तरीके से डेली सा, डेली ओमकार जाप जितना हो सके, शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए, फिर 10 मिनट तक जाइए और उसके बाद आप अलंकार प्रैक्टिस कीजिए। अलंकार मीन्स सारे गामा पधा नीसा सानी धापा मगा रेसा, इन स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के हमें अपने गले को एक्सरसाइज देना है। रोज इसको करके हम अपने गले को सुरीला बना सकते हैं। बच्चों, ये हो गया रियाज के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमें अपनी वॉइस की केयर कैसे करनी है, ये खराब ना हो,
या सुरीली बनी रहे, रियाज के साथ साथ ये सब केयर करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो सबसे पहले आता है कि हमें अगर हमारा वोकल कॉर्ड यहाँ है ना गले में, तो हमें नेक से जुड़े हुए सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस डेली करने हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे प्रेशर आएगा स्ट्रेट, अगेन अपोजिट साइड, ये हो गया बच्चों। जब हम गर्दन पीछे की तरफ धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमें टंग बाहर निकालनी है, ये तो यहाँ पे गले के अंदर आप महसूस करेंगे कि हमारे यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स में एक स्ट्रेचिंग महसूस करेंगे आप, और ये इससे गला साफ होने में मदद हो जाएगी। सबसे पहले स्ट्रेचिंग, उसके बाद हमें अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है, गले को हाइड्रेट रखना है। मींस हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी, गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए, या सादा पानी, ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें हमें ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, आप कभी कभार पार्टी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, देन इट इज़ ओके। बट रेगुलर बेसिस पे हमें जितना हो सके गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, या गुनगुना पानी आप नहीं पी सकते हैं तो सादा प्लेन वाटर जिसको कहते हैं, सिंपल रूम टेम्परेचर में जो पानी होता है वो पानी आप टैप का पी सकते हैं। ठंडा पानी पीने से बचें क्योंकि वो आपके वोकल कॉर्ड्स को ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑयली और स्पाइसी खाने से बचें, क्योंकि जब आप ऑयली और स्पाइसी खाना रेगुलर बेसिस पे बच्चों खाते हैं तो उससे आपका हाजमे पे तो इफ़ेक्ट होगा, बुरा असर होगा ही होगा। उसके बाद आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो जब हमें एसिडिटी होता है तो बच्चों एग्जैक्टली क्या होता है, तो जो एसिड्स हमारे पेट में बनते हैं हाँ डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, ये रिफ्लक्स होके गले में आ जाते हैं, वो हमारे वोकल कॉर्ड्स पे फैल जाते हैं, एक परत सी बन जाती है और फिर वो हमारे गले को डैमेज कर सकते हैं वो एसिड्स। सो इसलिए हमें कभी कभार की, अगेन बात ठीक है जैसे हम ठंडा कभी कभार खाते हैं या पीते हैं, सेम वे हमें ऑयली स्पाइसी ये नहीं कि कभी भी नहीं खाना है, लेकिन ज़्यादातर जो सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन चुनते हैं या डेली रियाज करते हैं वो लोग स्पाइसी फूड, ऑयली फूड या ठंडा जो भी है, पानी है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको अवॉइड ही करना पसंद करते हैं। ये एक तरीके से आप अपने गले की केयर कर रहे हो बच्चों। तो हमने देखा कि हमें रोज़ का रियाज करने के साथ साथ ठंडी चीज़ें या ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी हैं, डेली गले की स्ट्रेचिंग करनी है, हमारी गले को, हमारे बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना है, कंटिन्यूस पानी पीते रहना है। यहाँ पे गले में कभी गला सूखना नहीं चाहिए, धीरे थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते रहें और इससे आपका गला हमेशा नमी बनी रहेगी और सूखापन नहीं आएगा गले में, और ये आपके गले के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि और एक मुद्दा है, और एक पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि गले को नाक से गाया जाता है गाना, और हम नाक से गाने की वजह ये है कि यही अगेन की सांस लेने और छोड़ने की टेक्निक, या कहाँ से कैसे सांस लेनी है ये टेक्निक अगर नहीं पता है तो बहुत लोग नाक से गाते हैं और वो नाक से आवाज़ एक अलग सी आवाज़ प्रोड्यूस होती है और वो गाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगता, एक भारीपन सा आ जाता है उस आवाज़ में। और अगर हम गले से गाते समय पेट से फोर्स दे, पेट से सांस ले, तो वो गाना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, गले से एक प्रॉपर फोर्स निकलेगा और ये प्रॉपर जब फोर्स निकलेगा तो एक जो आवाज़ में जो एक हेवीनेस आपको रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। और नाक से गाना आप अवॉइड कीजिए, गले से गाइए, पेट से सांस लीजिए, तो वो नाक से गाने वाली प्रॉब्लम धीरे 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 कम होती जाएगी। आप बस ध्यान दीजिए रोज़ कि आप सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, हवा आप सांस लेते समय पेट से, पेट बाहर आ रहा है या नहीं, पेट पर हाथ रखिए
और आप खुद रोज नोटिस कीजिए ये चीजें, धीरे 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 आपको सही तरीके से सांस लेने और छोड़ने की आदत पड़ जाएगी और फिर आपकी नाक से गाने की प्रॉब्लम भी हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप सही तरीके से आपकी आवाज को वजन दे पाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स है बच्चों की, किस तरीके से हमें अपनी आवाज को डेवलप करना है सिंगिंग के लिए। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले हमें अपने गले को क्या चाहिए अच्छा गाना गाने के लिए, तो हमारी वॉइस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हमारी गाने की कैपेसिटी हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, या हमारे गले को हमें सुरीला भी बनाना है, वर्सटाइल भी बनाना है। अलग अलग गाने के अलग अलग मूड्स होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग रस होते हैं, और हमारे गाने में सिर्फ स्वीट वॉइस होके नहीं चलेगा, जितना मीठी आवाज़ चाहिए उसके साथ साथ, क्योंकि गाना हर तरीके का होता है। अगर आप पेट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ मीठी आवाज़ निकाल के नहीं चलेगा, उसमें आवाज़ में एक दम भी और होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म वाला वो फील आना चाहिए आपकी आवाज़ से, वीर रस होना चाहिए, हाँ एक प्रॉपर फोर्स आना चाहिए। तो अलग अलग सैड मूड के गाने हैं तो उसमें दर्द आता है, रोमांटिक मूड के गाने हैं तो उसमें नटखटपन आता है। तो ये चीज़ें रियाज करके या इसके टेक्निक्स सीख के ही ये चीज़ें आएंगी, बिना सीखे। मैं फिर कहती हूँ बच्चों, हर विद्या के लिए, किसी भी विद्या को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के हम किसी भी विद्या में निपुण नहीं हो सकते हैं। आजकल हर पार्ट, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको गूगल करेंगे, यूट्यूब चैनल्स आप सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आमने सामने गुरु शिष्य बैठे हैं और सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो वो जो मज़ा है और वो जो इफ़ेक्ट है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो हर चीज़, हर कला सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के हम किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो सकते। फिर भी आप YouTube चैनल्स को सर्च करके उनकी सहायता से ज़रूर आप अपने गाने के टेक्निक को इम्प्रूव कीजिए। रोज़ अलंकार गाइए, रोज़ सा लगाइए 10 मिनट के लिए, ओमकार जाप कीजिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी और अहम बात है बच्चों, रोज़ आप प्राणायाम का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, 5 या 10 मिनट जितना हो सके। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4 से 7 बजे का टाइम रियाज के लिए, प्राणायाम के लिए सबसे बेस्ट होता है। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो इवनिंग टाइम ठीक है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 to 7 इज़ द बेस्ट टाइम। इस टाइम में अगर आप रियाज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे सांस लेने छोड़ने के अलग अलग टेक्निक्स प्राणायाम में आते हैं, जो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके गले की खराश को मिटाते हैं, वोकल कॉर्ड्स को क्लीन करते हैं, उसके बाद अगर आप प्राणायाम के बाद रियाज करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको एक अच्छा सिंगर होने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारे टेक्निक्स आप याद रखिए, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक अलंकार क्या होता है, वो अलंकार आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मैं बेसिक 4-5 अलंकार बताऊंगी, इससे ज़्यादा अलंकार आप खुद भी बना सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको टेक्निक क्या है, कैसे आप अलंकार खुद भी बना सकते हो, तो खुद से भी अलग अलग अलंकार बना के इसको गा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम गा। तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ बेसिक अलंकार आपको गा के सुनाती हूँ। अगर कोई मेल गा रहा है तो काली एक, ये स्वर उनके लिए सही है ये, और कोई फीमेल है तो वो काली 4 या काली 5 में रियाज कर सकते हैं। मैं काली 5 में आपको रियाज बता रही हूँ। बेसिक कुछ 3-4 अलंकार मैं आपको गा के सुनाऊंगी। एक्चुअली ये टेक्निक ऐसी होती है कि सारे गामा पधा नी सा, सा नी धापा मगा रे सा, इन स्वरों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में गाना है। जैसे सा रे गा रे गा मा, इसमें क्या फॉर्मूला है, 1 2 3 2 3 4, ये फॉर्मूला है। अगर ये मैंने आपको फॉलो करना सिखा दिया, आपको पता चला कि नंबर्स हम ये पैटर्न यूज़ करना है, ये पैटर्न आप खुद अपने मन से भी बना सकते हैं, 1 2 3
तो 1 2 3 4 का एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप, ये दूसरा अलंकार बन जाएगा। सेम वे ऐसे कई अलंकार आप खुद भी बना के गा सकते हैं बच्चों। मैं यहाँ बेसिक कुछ 3-4 अलंकार आपको गा के बताती हूँ। आपके गले को काफी अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी। जैसे जाएंगे और इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश कीजिए कि जब हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं तो कभी कभी सुर बेसुर हो जाते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। फिर से कोशिश करते रहेंगे तो सुर पक्के ज़रूर हो जाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है रियाज करने का बच्चों। इसके बाद मैंने कुछ टेक्निक्स बताए सांस लेने छोड़ने के, उसके बाद मैंने कुछ टिप्स दिए कि आपको कैसे अपने गले की केयर करनी चाहिए, और इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने गले को ज़रूर सुरीला बना सकते हैं और एक अच्छे सिंगर ज़रूर ज़रूर बन सकते हैं। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।